आज का ट्रैक मेरा बद्रीधाम के लिए होने वाला है और मेरे साथ दिवाकर भाई भी आ रहे हैं। यहाँ घर से पापा के लिए मुझे समौड़ ले जाना है, तो समौड़ में मम्मी ने सब्जी वगैरह दे रखा है। इधर साइड भी जल्दी पुल बन के तैयार हो जाएगा और वर्क जोरों शोरों से चल रहा भाई। इधर किन्ना किन्ना में पढ़ते कति में अपन? हाँ अभी हम लोग लेंसी धार में पहुंच गए हैं और ये रहा हमारा दोस्त दिवाकर। दिवाकर भाई फर्स्ट बार बद्री धाम के दर्शन करेंगे। नरसिंह मंदिर के दर्शन करने से पहले हाथ पांव धो लेते हैं। नमस्ते जस्ते जसे आविर आविर भव वज्र नख वज्र दंश करमास। अभी हम लोगों ने स्नान भी अच्छे से कर दिया है, अब मंदिर की ओर जा रहे हैं हम और साथ में ये प्रसाद लाए हैं हम घर से, तो ये यहाँ चढ़ाएंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के फरकेत गांव से, और ये रहा भाई हमारा गांव फरकेत। आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करीब 6 बजे से हो रही है और आज के मौसम की बात करें तो आज का सुबह का मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। आसमान तो बिल्कुल क्लीन है और अभी धूप नहीं आई है, और सामने भेटी बंगाली वाली पहाड़ी साइड देख रहे होंगे आप, वहां धुंध नहीं छाई है, यानी कि साफ दिखाई दे रहा भाई। आज का ट्रैक मेरा बद्री धाम के लिए होने वाला है और मेरे साथ दिवाकर भाई भी आ रहे हैं, तो दिवाकर भाई तो मार्केट से आएंगे। यहाँ घर से पापा के लिए मुझे समौड़ ले जाना है, तो समौड़ में मम्मी ने सब्जी वगैरह दे रखा है, तो मम्मी अभी उठ रही भाई। ठंड लागने से यहाँ नदी साइड में कुछ ज्यादा ही ठंडा हो रहा। हाँ तो अभी मेरे ऐसे सुनोगे कि काम ही नहीं करे भाई। नंदनगर वाली रोड पे करीबन 7-8 पुल होंगे, 7-8 पुल में से एक पुल पे तो काम स्टार्ट हो गया है, यानी कि जो ये देख रहे होंगे आप सामने। चलिए जी, अभी धूप भी मिल गई है, नहीं तो हाथ सुन्न हो गए थे भाई मेरे, ये उंगली तो काम ही नहीं कर रही। इधर साइड भी जल्दी पुल बन के तैयार हो जाएगा और वर्क जोरों शोरों से चल रहा भाई इधर, यानी कि नंदनगर वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं, पर काफी ज्यादा टाइम लगेगा भाई अभी। तो सामने देखो भाई, छोटे बच्चे लिफ्ट मांग रहे। किन्ना किन्ना में पढ़ते कति में अपन? हाँ अच्छा साथ में, अच्छा के स्कूल में? हाँ थिर्पा। अच्छा थिर्पा के? अच्छा। अभी हम लोग लेंसी धार में पहुंच गए हैं और ये रहा हमारा दोस्त दिवाकर। दिवाकर भाई फर्स्ट बार बद्री धाम के दर्शन करेंगे। दिवाकर भाई कैसा लग रहा है यहाँ? जय बद्री विशाल, जय नंदा धाम। तो आज दीपक भाई के साथ आज बद्रीनाथ प्रस्थान का आज शुभ अवसर आज मिला हुआ है, तो यहाँ का मौसम भी बड़ा ठंडा है नंदा नगर में। बहुत ज्यादा ठंडा है भाई, कसम से इतना ज्यादा ठंडा हो रहा, टोपी की नहीं बस रही भाई। जैसे जैसे हम जोशीमठ के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे भाई यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है, काफी ज्यादा ठंडा हो रहा भाई। इधर साइड भाई काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हो रखा, ऊपर साइड से पूरा चट्टान गिर रखा नीचे। ओ भाई, अभी हम लोग नरसिंह मंदिर के लिए जा रहे हैं और ये वाला रूट भी काफी ज्यादा लंबा है। नरसिंह मंदिर के दर्शन करने से पहले हाथ पांव धो लेते हैं। अभी हम लोगों ने नरसिंह भगवान के दर्शन भी अच्छे से कर दिए हैं
आप लोग सामने पहाड़ी देख रहे होंगे, इसका नाम हाथी पहाड़ है और पूरे हाथी का जैसे आकार का है भाई। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, नमस्ते जस्ते जसे, आविर आविर्भव वज्र नख वज्र दंश कर्माशयान धैरंधय तमो ग्रिश ग्रिश ओम स्वाहा, अभयम अभयम आत्मने भूयिष्ठा ओम स्रों ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अभी हम लोग जोशीमठ से गोविंद घाट पहुंच गए हैं और यहां पर से बद्रीनाथ की डिस्टेंस करीब 25 किलोमीटर और है, यानी कि हमें 25 किलोमीटर और जाना है। यहां सामने पे भाई काफी बड़ा जाम लग गया है, साइड से आगे रोड में वर्क चल रहा। अभी दिवाकर भाई चला रहा गाड़ी, मैं काफी ज्यादा थक गया भाई। अभी हम लोगों ने स्नान भी अच्छे से कर दिया है, अब मंदिर की ओर जा रहे हैं हम और साथ में ये प्रसाद लाए हैं हम घर से, तो ये यहाँ चढ़ाएंगे। हम लोगों ने बद्री विशाल के दर्शन भी अच्छे से कर दिए हैं और मेरे साथ जो भाई था वो अभी मंदिर में है। अच्छा आ गए वो भाई भी, चलिए।